हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज जीसीपी आजाद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया मस्त ठीक ठाक। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 9:16 और हम जा रहे हैं कॉलेज। तो मैं तैयार होकर बस बैग वैग लेकर निकल आया था अभी, तो चलते हैं कॉलेज, पहुँचते हैं, देखते हैं आज के दिन हमारा कैसा रहता है, क्या कुछ होता है कॉलेज में, क्लासेस कितनी चलती हैं, जो भी होगा सो सारा कुछ दिखाएंगे। प्रैक्टिकल कौन से आज हो रहे हैं ये भी बताएंगे, कौन से हुए या फिर कौन से, मतलब जितना भी होगा जो भी होगा क्लासेस वगैरह में सारा कुछ तो सब दिखाएंगे। सो चलिए चलते हैं, अभी पहले पहुंचते हैं कॉलेज, फिर आपसे मिलते हैं कॉलेज में सीधा। सो गाइज, अभी हम पहुँच गए अपने कॉलेज में और कॉलेज के अंदर हैं, तो और अंदर चलते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। अभी तो डिपार्टमेंट में नहीं पहुँचे हैं, अभी तो हम केवल कॉलेज के अंदर ही पहुँचे हुए हैं। तो चलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि टाइम भी हो ही रहा है, 9:20 हो चुका है, तो क्लासेस का तो टाइम हो गया है, 9 बजे से लगती है, लेकिन हमेशा 10-5 मिनट लेट तो हो ही जाता है। तो वही 9:10 या 9:20 से क्लास रहती है, शायद 9:10 से रहती है, पर अभी तो टाइम हो गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सी किन टीचर्स की है आज। या तो अनु मैम की होगी जूलॉजी की, या तो होगी फिर जया मैम की जूलॉजी की क्लास, देन उसके बाद हमारी बॉटनी की ही लगने वाली है। तो फिलहाल ये देखिए हमारा पीछे से बिल्डिंग है, तो चलते हैं अंदर। ये गार्डन तो आपको याद ही होगा, ये भी कॉलेज के हमारे बगल में ही है, और कॉलेज के नाम से ईश्वर शरण मैरिज गार्डन। इधर कॉलेज से निकलते ही एक ये गार्डन भी है, ये मतलब उद्यान है, यहाँ पर फूल पत्ते वगैरह हैं, मतलब बैठने का एरिया, लेकिन अपन लोग को जाने नहीं देता इसके अंदर अभी, क्योंकि बंद रहता है हमेशा। अब चलते हैं कॉलेज के अंदर, एंट्री लेते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। सो अभी हम आ गए हैं डिपार्टमेंट के अंदर, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर साइड। व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग में मुझे भी ले लो। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। देखो मेरा नाम अर्चना और मैं इसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम भी बता दो। सो अब चलते हैं अभी और देखते हैं, हमारे दोस्त लोग और बैठे हुए उन लोग के पास। हे, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अंकित के पास। हाय ब्रो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग बडीज। तो अभी चलते हैं और देखते हैं अभी कितने क्लास में मैम नहीं आई क्या अभी। सो चलते हैं अभी 10 मिनट से। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 11:53 और अभी सब लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लासरूम में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं। अभी 12:20 से हमारी रजनी मैम की क्लास भी है बॉटनी की, तो हम जाएंगे उसे अटेंड करने। फिलहाल तो ये लोग सबके सब प्रैक्टिकल करने में लगे हुए हैं, तो इन्हें करने देते हैं और हम अभी 10-15 मिनट बाद निकलते हैं। तो चलते हैं बॉटनी की क्लास अटेंड करते हैं। फर्स्ट डे बॉटनी की क्लास आज लगने वाली है रजनी मैम की, बाकी सुधा मैम की तो कल लगी थी प्रैक्टिकल में। सो देखिए इन लोग का प्रैक्टिकल कैसा जाता है। तो विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, विस्कोसिटी में पता नहीं क्या है, मैंने तो मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है प्रैक्टिकल करने का, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसा क्या कुछ करना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, मैं अपना थोड़ा सा देख रहा हूँ। हाँ देखते हैं कौन कैसा कर रहा है। कैसा कर रहे हो ब्रो? हो गया हो गया, हमने 3 रीडिंग ले लिया है अभी। गजब, 4 रीडिंग चाहिए अपन को। ओके खत्म होता टाइम। ओके, तो अनुराग भी अभी रीडिंग कर रहा है, तो हम चलते हैं अभी रजनी मैम की क्लास अटेंड करने, फिर मिलते हैं वापस। सो गाइज, फाइनली अभी हो गई हमारी सारी क्लासेस ओवर, तो अब हम निकल चुके हैं कॉलेज से बाहर और चलते हैं रूम पे। तो आज बढ़िया था, दो क्लास चली और साथ में एक प्रैक्टिकल हुआ केमिस्ट्री का,
बाकी बॉटनी का प्रैक्टिकल आज नहीं हुआ तो ठीक ही था दिन अभी तक का। अभी चलते हैं रूम पे तो खाना पीना खाएंगे, उसके बाद अभी हाँ हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। खैर लेकिन अभी नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है बुरा, वो तो बताएंगे किसी दिन जब आप लोग को दिख जाएगा तब, फ़िलहाल तो अभी नहीं बताने वाले। तो अभी चलते हैं रूम पे, खाना पीना खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, रेस्ट भी करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर लग जाएंगे पढ़ने में। सो मिलते हैं फिर। सो गाइज अभी तो काफ़ी रात हो गई है और शाम को मतलब दोपहर में कॉलेज से आने के बाद हम सो गए थे। कुछ तो हुआ था उसके बाद, तो हम बाहर चले गए थे, फिर उसके बाद आए तो खाना वाना खा के, खाना पीना खा के फिर हम सो गए थे। तो अभी हो गई है रात और शाम को भी बाहर फिर नहीं निकल पाए क्योंकि पढ़ने लगे थे, पढ़ते पढ़ते फिर अभी रात का भी टिफ़िन आ चुका होगा, तो अभी हम जा रहे हैं तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। सो मिलेंगे आपसे कल के दिन नई मॉर्निंग के साथ नए ब्लॉग में। कल है सैटरडे, कॉलेज की है छुट्टी, तो देखते हैं कल मार्केट जाने वाले हैं थोड़ा सा, तो उधर का दिखाएंगे क्योंकि कल हम जाने वाले हैं ओल्ड कटरा जहाँ मिलती है बुक्स। तो अगर निकलते हैं जाएंगे तो सुबह कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। तो अभी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आप सभी का। बहुत जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो मैं बहुत मतलब थोड़ा बहुत तो खुश, थोड़ा नहीं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से हो गया, मतलब कम से कम नहीं तो 7 महीने हो गए, 7 मंथ हुए मेरे को वीडियो डालते हुए ब्लॉग करते हुए, लेकिन आज तक अभी भी 500 सब्सक्राइबर नहीं पहुँचे थे, तो 498 हो गए हैं तो 2 बचे हुए हैं। देखते हैं कौन सा आदमी बनता है 500 सब्सक्राइबर, मतलब कौन 500वां सब्सक्राइबर बनता है। सो आई होप मेरे लिए तो स्टार्टिंग से ही एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट मान सकते हैं अभी के लिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सो बाय बाय।